मैं और प्रदीप कुमार ओला घूमने के लिए निकले थे 15 तारीख को उड़ीसा। दोनों का बाइक कार से आए थे, टोयोटा हाइडर। उड़ीसा में हम 18 तारीख को पहुंच गए थे। 18 तारीख को हम होटल में स्टे किया, जहां उड़ीसा में प्रदीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी जो इंस्टाग्राम से बनी थी। पिछले 8-10 महीने से दोनों की बराबर बात हो रही थी। उसके मेरे को प्रदीप कुमार ओला को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे मिलने जाता हूँ। तो पहले दिन प्रदीप कुमार ओला मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिल के आता है। नेक्स्ट डे फिर गर्लफ्रेंड का प्रदीप के पास कॉल आता है कि आप आइए मिलने के लिए। तो प्रदीप कुमार वहाँ उसके बाद दोबारा मिलने जाता है। तब मैं रोड पे घूमता रहता हूँ। उसी दौरान वो दोनों गाड़ी में बैठ के आते हैं, मेरे को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद में उसकी गर्लफ्रेंड और प्रदीप के द्वारा मेरे को बोला जाता है कि अपन को हम दोनों शादी करेंगे, तुम हमारा भी सहयोग दो। तो अब मैं मेरे भाई के पास पैसे हैं जो स्टॉक मार्केट का काम करता है, और उसका पावर ऑफ स्टॉक के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है, तो उसके पास काफ़ी पैसे हैं। तो लड़की बोलती है मेरे भाई से आप पैसे मांगा लो, ऐसे बोल के कि किडनैप हो गई हूँ मैं, तो मेरा भाई पैसा डाल देगा, उसके बाद आप दोनों शादी कर लेंगे। तो प्रदीप के द्वारा व्हाट्सअप कॉल किया जाता है, उसके भाई को, लड़की के भाई को कॉल किया जाता है जो बेंगलोर में रहता है। उसको कॉल करके बोला जाता है कि 1 करोड़ रुपये दीजिए, तुम्हारी बहन किडनैप हो चुकी है। उसका भाई बोलता है वेट करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसे डालने की, आपको जो अकाउंट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको मैं आपको जल्द पैसे पहुँचा दूंगा, मेरी बहन सेफ रहने से। हमारे द्वारा बोला जाता है तुम्हारी बहन के कुछ भी नहीं होगा, एकदम सेफली है, हम बहन की बात भी करवाते हैं, बाकायदा बहन बात करती है आपके भाई से कि मैं सेफ हूँ, खाना खा लिया, सब कुछ ठीक है। उसी दौरान अगले दिन पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है। मैं कुछ प्राइवेट जॉब का कुछ देख रहा था, और मेरा बात हुआ था स्मृति रेखा पानी से इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के जनवरी के अंदर। और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा बात होना स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने फ़ोन नंबर भी अपना दिया, फिर ऐसे ऐसे बात होने लगा। फिर अभी हाल ही में उन्होंने फ़ोन करके ऐसे बुलाया कि यहाँ पे रहने आ जाओ, भुवनेश्वर आओ, फिर हम देखते हैं शादी का हमारा करते हैं, शादी का प्लान बनाते हैं। फिर बाद में मैंने कहा कि मेरे पास फ़िलहाल पैसे वगैरह कुछ है नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे भाई का, तुम आ जाओ यहाँ पे, मेरे भाई का काफ़ी अच्छा काम है, मेरा भाई बहुत सारा पैसा कमाता है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करके, तो फिर तुम आ जाओ यहाँ से, पैसे की कैसे भी व्यवस्था मैं करवा दूँगी। तो इस तरीके से मैं 15 तारीख को जयपुर से अपना निकला था, तो 17 तारीख को पहुँचा कि खोरदा के अंदर रुका था। फिर उसके बाद में उनके साथ एक दिन तो ऐसे ही थोड़ा घूमने चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने उस दिन बताया कि ऐसे ऐसे करके हम मतलब कि पैसा भी आ जाएगा और हम शादी भी कर लेंगे। तो उन्होंने फिर 19 तारीख को वो आ गए, फिर कहे यहाँ से मुझे ले चलो। फिर बाद में भाई से फ़ोन करके बोलना कि तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है, तो वैसे करके फिर भाई पैसे दे देगा, फिर हम आराम से जाके फिर अपना शादी वगैरह जो भी हमें करना कर लेंगे। तो इस तरीके से किया था, और बाकी आगे फिर वो आ गए, फिर ये सारा सब कुछ प्लान जो भी उन्होंने बताया वैसे मैंने कर लिया, जो भी कि भाई को फ़ोन करना और फिर पैसे मंगवाना, ये सारा जो भी बताया था। और बाकी हम गाड़ी से गए थे जो वहाँ से अपना ये DNS मॉल, वहाँ से गाड़ी से वो आगे, वो ऑटो से आए थे, तो फिर मैं गाड़ी से वो सब साथ चले गए थे। फिर उन्होंने कहा यहाँ से चलो इधर से, और फिर आगे चल के भाई को फ़ोन करके फिर पैसे मांगते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आगे जाके फिर भाई को फ़ोन किया, फिर हमने भाई से 1 करोड़ रुपए मांगे। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम वाइम ऐसे बताया, फिर कुछ पैसे उन्होंने डाले, फिर हम इधर उधर थोड़ा जा रहे थे तो पुलिस सामने दिखा, चेस करके फिर पुलिस ने हमें पकड़ा।